गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आपके डोंगरी में मैं एक बार फिर आपके साथ। आज एक जो स्टोरी लेकर मैं आई हूँ उसे आज के आधुनिक युग को महाभारत के समय से जोड़ने की है। महाभारत काल में कौरव और पांडव का जब युद्ध चल रहा था उस समय एक सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये थी कि 50 लाख लोगों के भोजन का इंतज़ाम, उनकी व्यवस्था कैसे की जाए। और जिस तरह सुचारू रूप से वो व्यवस्था चल रही थी कि रोज़ जितने लोग खाना खाते थे उतना भोजन पूर जाता था, ना तो कोई बंदा आदमी भूखा सोता था और ना ही कोई अन्न का दाना किसी भी बर्तनों में बचा रहता था, तो उसकी व्यवस्था किस तरह हो रही है इस बात की चर्चा बहुत होती थी। और बात सोचने की बात भी यही है कि इतने बड़े 50 लाख लोगों का खाने का इंतज़ाम, और वो भी इस तरह हो कि कोई भी भूखा ना सोए और ना ही अन्न का दाना वेस्ट हो। तो चलिए चलते हैं उस समय कि जब ये व्यवस्था, इस तरह ये युद्ध हो रहा था और किस तरह ये सब किया जा रहा था। कौरव और पांडव का जब युद्ध हुआ तो उस समय जितने भी राजा महाराजा थे वो सब लोग अपनी अपनी फौज को लेकर वहाँ पहुँच गए, और आधे लोग कौरव पांडव की तरफ और आधे कौरव की तरफ, आधे पांडव की तरफ आ गए। अब कुछ दिन बाद उडुपी नरेश जो थे वो भी अपनी सेना को लेकर वहाँ पहुँचे। अब कौरव और पांडव दोनों ने सोचा कि इनकी इतनी विशाल काय सेना अगर हमारे उसमें शामिल हो जाए तो हमें ज़्यादा बल मिलेगा, तो उन लोगों ने उनको अपनी अपनी तरफ करने की भरसक प्रयत्न किया। लेकिन उडुपी नरेश बहुत दूरदर्शी थे, वो सीधे श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि कृष्ण जी, आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं दोनों भाइयों के युद्ध के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि भाई भाई आपस में लड़ने के लिए लड़ाई करें। तो श्री कृष्ण बोले, हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन ये युद्ध अब रुका नहीं जा सकता, तो तुम क्या सोचते हो? तो उसने बोला महाराज ने कि मैं युद्ध में तो पार्ट नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ अगर आप बोलेंगे तो मैं एक विशाल काय सेना के भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ। वैसे आपने इस सेना के भोजन के बारे में क्या सोचा है? श्री कृष्ण बोले, नहीं मैंने तो अभी तक कुछ नहीं सोचा, हाँ इतना ज़रूर है कि इसका इंतज़ाम, इसका बंदोबस्त आप ही कर सकते हैं या फिर भीम सिंह, लेकिन भीम सिंह युद्ध से वंचित नहीं रह सकते, इसलिए इसका इंतज़ाम, इसका भार आप अपने और अपनी फौज को, सेना को दे दीजिए। दूसरे दिन से उडुपी नरेश ने पूरी 50 लाख लोगों के खाने का इंतज़ाम, व्यवस्था करनी शुरू कर दी। उनके सुबह जो था, जितने भी सैनिक युद्ध स्थल में जाते थे उनका पूरा भोजन होता था। रात को किसी को नहीं मालूम होता था कि आज कितने लोग वापस लौट के आएंगे, कितने लोग वीरगति को प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता था। ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय था कि उडुपी नरेश इतने अच्छे और इतने सुचारू रूप से पूरे उसका इंतज़ाम कर रहे हैं कि कोई भी सैनिक भूखा नहीं सोता और ना ही अन्न का दाना वेस्ट होता है। धीरे धीरे करते युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई, उनका राज्याभिषेक हुआ 18 दिन के बाद। युधिष्ठिर जी से नहीं रहा गया और उन्होंने पूछा, उडुपी नरेश सब तरफ हमारी चर्चा हो रही है कि किस तरह कितने अच्छे और सुचारू रूप से पांडव लोगों ने युद्ध जीता है, लेकिन हमको पता है कि इस युद्ध के जीतने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपने जिस तरह भोजन की व्यवस्था करी, जिस तरह हमारा एक भी सैनिक भूखा नहीं सोया, ना ही अन्न का दाना व्यर्थ किया, तो ये आपने कैसे किया? उडुपी नरेश बोलते हैं कि आप पहले ये बताइए कि जैसे आप बोल रहे हैं कि सब तरफ आपकी चर्चा हो रही है, तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं कि ये युद्ध आपने जीता है, इसका श्रेय किसको जाता है? तो महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि भाई मैं तो इसका सारा श्रेय श्री कृष्ण को ही देता हूँ। तो बोलते इसी तरह मैं भी सारे चमत्कार का श्रेय श्री कृष्ण को ही देता हूँ। ये उनका चमत्कार ही था कि रोज़ का रोज़ खाना मैं सबको पूरा हो जाता था और व्यर्थ जाता था।
तो सब लोग जितने राज्यसभा में बैठे थे सभी आश्चर्यचकित हो गए। का ऐसे कैसे, ये कैसे आप बोल सकते हैं? बोलते देखिए, श्री कृष्ण को रोज खाने के बाद मूंगफली खाने की आदत है और हम लोग उनको गिन के मूंगफलियां देते थे। वो जितनी मूंगफली खाते थे उसका 1000 गुना सैनिक जो है वो दूसरे दिन युद्ध स्थल में वीरगति को प्राप्त होता था। जैसे आज 50 मूंगफली श्री कृष्ण ने खाई तो दूसरे दिन उसका 1000 गुना यानी 50,000 सैनिक युद्ध में शहीद होते थे। और हम लोग भोजन की व्यवस्था उसी के को देख कर सोच कर करते थे। सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। ये कथा जो है महाभारत की बहुत दुर्लभ कथाओं में से एक है। जो हमारे उडुपी नरेश थे, इन्होंने ये कर्नाटक में उडुपी में ही इन्होंने श्री कृष्ण मठ की स्थापना भी करी थी, जो आगे जाकर श्री माधव आचार्य जी ने जिसको संभाला। एक बात है बच्चों, पोषण वही सही जिसका एक भी दाना व्यर्थ ना जाए। आप लोगों से आज के दिन सिर्फ यही मैं बोलना चाहती हूँ कि बेटा जो सिचुएशन आज चल रही है पूरे विश्व में, हर जगह कोरोना वायरस का आतंक फैला पड़ा है। रोज़ आप लोग तो बहुत अच्छे परिवार से हो, आप लोगों के पेरेंट्स लोगों ने 2 महीने 3 महीने का सबका स्टोर करके खाना चीज़ों को रख लिया होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं बेटा जो कि सुबह खाते हैं तो उनको रात की चिंता होती है कि रात को मिलेगा कि नहीं, जबकि हमारी सरकार बहुत भरसक प्रयत्न कर रही है, जितना कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा कर रही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है बेटा, हमको वैसे आज की परिस्थिति नहीं, हमें रोज़ अपनी एक आदत बनानी चाहिए कि हम जितना खाना हमको चाहिए हम सिर्फ थाली में उतना ही खाना लें, उससे अधिक ना लें, हम अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना जाए। आज सिर्फ इतना ही, इस चीज़ को हमेशा के लिए दिमाग में रख लो कि हमें अन्न वेस्ट नहीं करना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।